हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SH फैशन वर्ल्ड। तो आज मैं आपको फिर से एक और आसान सी बुनाई डिजाइन लाई हूँ, आसान सा पैटर्न लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपने रखने हैं 3 से गुणा करके फंदे, जैसे 3 6 इस तरह से आपने फंदे रखने हैं। मैंने यहाँ पर लगाए हैं 12 स्टिचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली रो सीधी तरफ से, ध्यान से देखिएगा, डिजाइन बहुत ही सिंपल और आसान सा है, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर इसको बना सकते हो। तो देखिए, पहला फंदा सीधा उतारा, ये एज स्टिच है, इसको हमने सीधा उतार लिया। अब देखिए, अब एक फंदे को स्लिप करेंगे और आगे वाले दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये एक फंदा छोड़कर यहां से फिर से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे, यही 3 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो फिर से देखिए, एक फंदे को स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो पूरी रो आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। लास्ट में देखिए, इस फंदे को स्लिप करेंगे और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो ये हो गई पहली रो सीधी तरफ से। अब रो 2 पर आ जाइए, रॉन्ग साइड से दूसरी रो उल्टी तरफ से। तो इसमें पहला फंदा तो देखिए ऐसे ही उल्टा उतार लेंगे। अब जो फंदा हमने पिछली रो में स्लिप किया था, उसको हम यहां पर भी स्लिप ही करेंगे और फिर उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। अब एक फंदा छोड़कर यही 3 फंदे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो एक फंदे को स्लिप करेंगे जो पिछली रो में हमने स्लिप किया था, और 2 फंदे हम यहां पर उल्टे बनाएंगे। तो ये पूरी रो आपने इसी तरह से ही कंप्लीट करनी है, एक फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। लास्ट में देखिए, 2 फंदों में एक फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे। तो अब आ जाइए रो 3 पर, राइट साइड से तीसरी रो सीधी तरफ से। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा उतारा, अब ये जो फंदा हम स्लिप कर रहे थे इसको भी इस बार हम सीधा बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे लाएंगे और 2 फंदे हम यहां पर अब स्लिप करेंगे, 2 फंदे स्लिप करेंगे, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे। और ये एक फंदा छोड़कर यहां से फिर से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। तो फिर से देख लीजिए, एक फंदा जो स्लिप कर रहे थे उसको हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे लाएंगे और 2 फंदे हम यहां पर स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। तो ये पूरी रो आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी है। अब 2 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और जो स्लिप किया हुआ फंदा था पिछली 2 रो में उसको हम सीधा बना लेंगे। लास्ट में देखिए, एक फंदा बचेगा, इसको आपने सीधा बना लेना है। तो अब आ जाइए रो 4 पर, रॉन्ग साइड से 4th रो उल्टी तरफ से। तो रो 4 रॉन्ग साइड से ये हम पूरी उल्टी बनाएंगे, ये रो हम पूरी उल्टी बना करके कंप्लीट करेंगे। तो इस रो को आप सिंपल उल्टे उल्टे बना करके कंप्लीट कर लीजिए, सारे फंदे आपको पर्ल करने हैं। तो अब देखिए, 4 रो बनाने के बाद हमारा डिजाइन भी यहां पर ओवर हो जाता है, यही 4 रो हम रिपीट करते जाएंगे और हमारा ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न फिर बनता जाएगा। ये देखिए, आई होप आपको पसंद आया होगा, बहुत ही प्रिटी बनता है ये डिजाइन। तो आप बनाइएगा जरूर, ट्राई करके जरूर देखिएगा इस डिजाइन को। रो 1 से लेकर रो 4 तक ही आपने कंटिन्यू करना है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। इस तरह के डिजाइन देखिए पर्सेस के ऊपर बहुत ही प्यारे लगते हैं, पर्स बनाइए या पॉकेट आप बनाना चाहते हो उसके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। जेंट स्वेटर पर डाल सकते हो, या ब्लैंकेट वगैरह बनाना चाहते हो उस पर आप डाल सकते हो, बेबी स्वेटर पर बना सकते हो, लेडीज स्वेटर, जो भी आप इससे बनाना चाहते हो। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।